तो देखिए किसान भाई लोग, हमको इस जुगाड़ को बनाने के लिए एक इस तरीके से लोहे का कनस्टर का डिब्बा ले लेना है। तो चलिए अब इस जुगाड़ को हम बनाते हैं, ठंड का जुगाड़। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेना है। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए किसान भाई लोग, अब हमको एक सामान और चाहिए, ये है। ये आप लोग जानते होंगे, और जो किसान भाई लोग नहीं जानते उनको बता दें, ये हमारे घर में जो चावल कुटाया जाता है उसका पालिस है। कहीं कहीं पालिस बोलते हैं, कहीं कहीं भूसी बोलते हैं। तो हमको ये चाहिए। अब उसके बाद जो चावल दराने के बाद उसका छिलका निकलता है, ये चाहिए। चावल का छिलका और चावल का पालिस। और तीसरा आइटम हमको चाहिए, हमको जला हुआ मोबिल। अब दोस्तों, हम जो जुगाड़ बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत मज़ेदार जुगाड़ है। तो चलिए अब इस जुगाड़ को हम बनाते हैं और इसको आपको बना के दिखाते हैं। और इसके साथ एक सामान और चाहिए किसान भाई लोग। देखिए इस तरीके से हमें लगभग 2.5 से 3 इंच मोटा जो है पाइप चाहिए। ये अगर पाइप आप लोग देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, हमने इसे नींबू तोड़ने का जुगाड़ बनाया हुआ है। तो अभी हमारे पास टुकड़ा नहीं था, इसलिए हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से आपका जैसे डिब्बा जितना बड़ा है उसी के हिसाब से आप लंबाई ले लीजिए। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है जुगाड़ को। बहुत ही मज़ेदार है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा शुरू से अंत तक देखिए किसान भाई लोग, ये बहुत ही कारगर और बहुत ही मज़ेदार जुगाड़ हम बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पालिस को अपने किसी बर्तन में अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है, चारों तरफ फैला लेना है। फैलाने के बाद फिर इसको हमें जो है मोबिल का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इस मोबिल को हम इसमें चारों तरफ, थोड़ा कैमरामैन करीब आ जाइए, इस तरीके से आप इसमें मोबिल चारों तरफ गिरा दीजिए, ठीक है। इस मोबिल को इस तरीके से गिरा के चारों तरफ फैला देंगे। और फैलाने के बाद अब चलिए थोड़ा बैक चलिए, हम दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस मोबिल को एक साइड रख देते हैं। अब हमें इस तरीके से ये जो चावल का छिलका है इसको हमें ले लेना है। अब इसमें हम अच्छे से इसको जो है फैला देंगे, मिला देंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। आपका जितना बड़ा डिब्बा उसी के हिसाब से आप इसका बनाइए। बाकी अभी आपको आगे हम दिखाते हैं। अब चलिए थोड़ा करीब आ जाइए। अब इसको हमें, आ जाइए करीब में। अब इस तरीके से हमें अच्छे से इसको ऐसे ऐसे करके मिलाना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस समय दोस्तों एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो आज हम सोचे कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा देसी जुगाड़ बनाएं जिससे आपको धुआं धक्कड़ से छुटकारा मिले। तो दोस्तों देखिए, हमारा ये पाउडर एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। थोड़ा कैमरामैन आके पास में दिखाइए। देखिए हमारा ये जो है पाउडर एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब चलिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है अब आपको बताते हैं। और दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमें एक बॉटल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इतना मोटा हमारा पाइप है उससे थोड़ा बहुत कम रहेगा मोटाई इसका, चलेगा। तो चलिए अब इसको हम बना के दिखाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बीचों बीच इसके रख लेते हैं। और यहाँ पर रखने के बाद ये पाइप जो है हम एकदम सेंटर में रखेंगे। इसमें सेंटर में रखने के बाद यहाँ से हम इसका जगह खाली कर लेते हैं। इस बॉटल को भी हम यहाँ पे, जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम कटिंग किए हुए हैं, अब इसके बीच में हम इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे इसको हम थोड़ा करीब से दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए करीब से, यहाँ अंदर दिखाइए। देखिए इस तरीके से हमें डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब इसके बाद इसको हम पकड़ के रखेंगे। पकड़ के रखने के बाद इसमें हम धीरे धीरे इस पाउडर को जो बनाए हैं इसको धीरे धीरे हम इसके अंदर भरेंगे। इसको भरते रहेंगे, इसको भरते रहेंगे, और किसी लकड़ी के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा दबाते भी जाएंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरीके से इसमें बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको तैयार करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इसमें पाइप लगा के पूरा जो है पाउडर हमने इसमें भर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नीचे ये जो है बॉटल जो लिया था उसको लगा दिया है, और ऊपर हमने इस पाइप को लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही
आहिस्ता आहिस्ता इस पाइप को और इस बॉटल को हमें निकालना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। और दोस्तों, इस पाउडर में अगर आपके पास केरोसिन मिट्टी का तेल अगर है आप इसमें मिला दोगे तो ये पाउडर और अच्छे से काम करेगा। तो चलिए अब इस पाइप को हम धीरे धीरे निकालते हैं। थोड़ा कैमरामैन करीब में आ जाइए, हमारे दोस्तों को दिखाइए कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, आपको बस वहाँ बस इसको घुमाना है, प्यार से धीरे धीरे घुमाते जाना है, हल्का हल्का ऊपर करके ऊपर की तरफ खींचते जाना है। अगर आप हो सके तो यहाँ पे हाथ भी लगा दीजिए और इसको इसे इसे आराम आराम से ऊपर की तरफ खींचते जाइए। देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से निकलते जा रहा है। देखिए दोस्तों, अभी इधर थोड़ा कैमरामैन थोड़ा अंदर का सीन दिखाइए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से सुराख बन गया, इस तरीके से सुराख बन गया। अब चलिए अब इसका नंबर है। इस बॉटल को भी धीरे धीरे करके घुमा घुमा के, अगर आप और आसानी से निकालना चाहते हैं तो आप इसको लगाते समय इसमें थोड़ा सा मोबिल का लेप लगा देंगे तो और अच्छी तरीके से ये निकलेगा। चलिए ये भी हमारा बॉटल अच्छी तरीके से निकल गया। और अब देखिए ये हमारा होल एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो गया। चलिए अब इसको आगे बताते हैं आप कैसे इसको जलाना है, इससे कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब इसको हमें जलाने के लिए देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास कोयले का आग अगर आप पहले से बना के रखे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब इस कोयले के आग को हमें इसमें यहाँ पे बीचों बीच इसके एक एक करके डालना है। अब चलिए इसको हम डाल दिए और देखिए ग्लास की मदद से इसमें अब आगे हम डालते जाएंगे। यहाँ पे आगे भर देते हैं इसको। यहाँ पे दिखाइए धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये धुआं अभी कुछ पल के लिए निकलेगा, जैसे ही आग बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके तुरंत बाद इसका धुआं ख़त्म। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है आग सेकने का जुगाड़ है। इसको आप आसानी से बना भी सकते हैं और अपने घर के रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जुगाड़ हमारे पूर्वजों का ये देसी जुगाड़ है। बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाला जुगाड़ है। अगर आप इसमें और ज़्यादा दबा के इसमें भरेंगे तो ये जो है और अच्छे से चलेगा और इसमें जो है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम आपको पूरी तरीके से तैयार करके तब इसको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीचे से आग हमारा जलना अपने आप स्टार्ट हो चुका है। अब इसी तरीके से अभी देखिए चारों तरफ जब जल जाएगा तो ये जो धुआं हो रहा है धुआं इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा धुआं निकलना बंद हो गया। अब इस तरीके से आप इसमें छोटा छोटा लकड़ी के जैसे इस तरीके से टुकड़ा ले लीजिए। अब आप इसमें इसको ऐसे कंटिन्यू जलाने के लिए आप बस बीच बीच में छोटा छोटा इस तरीके से आप इस तरीके से टुकड़ा खाली इतना छोटा छोटा आप इसमें डालते रहिए। बाकी ये आपका कंटिन्यू ऐसे ही जलता रहेगा जब तक ये पूरा मटेरियल ख़त्म नहीं होगा। ये मटेरियल ख़त्म होने में 2400 घंटा लग सकता है अभी जितना हमने इस्तेमाल किया है। बाकी अगर आप और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कंटिन्यू लगातार ये 24-36 घंटा तक आप इसको जला सकते हैं। जैसा ठंड अभी देख रहे हैं हमारे पीछे का कोहरा दिखाइए, इधर देख ले इधर देख सकते हैं कितना कोहरा पड़ा हुआ है। आज ठंड बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम सोचे कि आज कुछ ऐसा जुगाड़ बताते हैं आप लोग के लिए और हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बस देखिए अभी आग थोड़ा स्लो है, अब इसमें हम इस तरीके से आग डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, ये हमारा आग ऐसे कंटिन्यू अब जलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये जुगाड़ आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।